मैंने मैंने लिए मैंने खरीदा है ये अपने पैसे से, अपनी पहली कमाई से। आप पर गर्व है। नाश्ता तैयार है। अरे आप नाश्ता तो कीजिए। भैया ये बिना नाश्ते के चले गए आप लोगों को। तुषार आप में से किसी को ये बताकर गए कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो हमसे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा। जनता गाड़ी चला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना विद्या, रुको ना। आप लोग समझते क्यों नहीं है? इन्हें गाड़ी चलाने नहीं आता। भाभी आप रुकिए। सुनिए। चला रहा है गाड़ी। कहाँ कर रही है? विद्या रुको। भाभी। अभी जाने दीजिए आप। इन्हें चोट लग गई तो। विद्या रुको ना। देखो तो सही वहाँ एक बार सामने। बिल्कुल परफेक्ट तो चला रहा है सागर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनिए आपने ये गाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? मैंने खुद सीखा खुद। मैं पहले रोज ग्राउंड पर गाड़ी चलाता हूँ, रोज सुबह। पहले मुझे बहुत डर लगता था विद्या, बहुत डर। लेकिन रोज प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, एकदम अच्छे से। हाँ, और जितने बड़े काम है ना, मैं वो भी सीखने वाला हूँ, एकदम सब सीख जाऊंगा। मैं बहुत जल्दी बिग हो जाऊंगा, बिग सागर प्रताप सिंह। पर एक बात प्लीज, एक बार तुम ऐसा बैठ के ना थोड़ी दूर तक चल लो प्लीज, एक बार प्लीज। वो सामने मंदिर है ना, वहां तक प्लीज, एक बार, एक बार। चलिए मैं नहीं आ रहा, मुझे होमवर्क करना है। ओके बाय। मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ।
मैं भी मंदिर चलूंगी भगवान से कुछ मांगने। अरे पूजा का सामान कहाँ है? वो हम जल्दबाजी में भूल ही गए। आइए चलते हैं। अंकल पूजा सामान देना प्लीज। क्या तुझे पक्का याद है कि वो इधर ही भागा था? हाँ जी सर, मैंने उसे धराते हुए देखा है। गाड़ी में हम पैसे पैसे मैं देता हूँ। वो देखो हो रहा पकड़े से आगे न पाए। पकड़ो हटो हटो रुक जाओ रुक जाओ इंस्पेक्टर रुक जाओ। मेरे पास बताना, भागने की कोशिश मत करना नटवर, भागने की कोशिश बेकार है। अरे नहीं जा मची, अरे नहीं जा मची, चल छोड़िए ना, खुद का हमारे हवाले कर दो नटवर। क्या कर रहे हो? रुक जाओ इंस्पेक्टर। मुझे पकड़ लीजिए, विद्या छोड़ दीजिए प्लीज। मार दूंगा भाई तेरे, प्लीज जान से चली जाएगी प्लीज। पीछे जाओ, पीछे जाओ, दूर रहिए, तुषार हटाइए अपने यहाँ से। तुम आगे बढ़ाया बोले मार दूंगा इसे। तुषार अंकल प्लीज तुषार। विद्या मजी नहीं सदा, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। पीछे चलो प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। तू तुषार तुषार प्लीज। तुषार विद्या तुषार मेरे पीछे। तो गर्दन ऐसी घुमाऊंगा कि जिंदगी भर दिखती नहीं है। उड़ा पकड़े इसे, चलो लेके चलो चला। किताब ठीक है ना? थैंक्स तुषार भैया। तुषार बहुत बहुत धन्यवाद, बता नहीं सकते बहुत डर गए थे अपने से ज्यादा इनके लिए, अपनी हमारी जान बचाई इनकी बचाई। सच में बहुत बहुत आभारी हम आपके। चोट तो नहीं लगी आपको? कितनी जोर से धक्का दिया था उसने, अब ठीक तो है ना? मुझे
मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है। पर मैं कुछ नहीं कर पाया। तुषार ने तुम्हें बचाया, मैं तो सिर्फ कह रहा था प्लीज प्लीज विद्या छोड़ दो प्लीज। तुषार ने तुम्हें बचाया, तुषार मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान का शुक्र है सब ठीक ठाक हो गया। हमें भी तो अपने शरण में लीजिए ठाकुरानी जी, हम भी तो मौत को हेलो हाय करके अभी अभी आए हैं। चलो, लेकिन भगवान ने सबको बचा लिया। भगवान ने जो किया सो किया, लेकिन भगवान के बंदे तुषार जी ने भी कुछ कम नहीं किया। ऋतिक रोशन की तरह फाइटिंग की है, इन्होंने तो बचाया हम सबको और मुझे भी। अगर तुषार जी सही समय पर नहीं आते ना, तो विद्या की जान चली जाती। हाँ वही तो, इन्होंने और तुषार ने मिलकर हमें बचाने की कोशिश की। पता है पहले तो उन्होंने ना उस गुंडे का ध्यान बटाया। अरे ध्यान कहाँ बटाया, उल्टा उसे और गुस्सा दिलाया। वो गुंडा तो विद्या की जान लेने पे तुला था। हाँ भाई, हमने तो सुना है और देखा भी है कि मुसीबत के समय पति पत्नी की रक्षा करता है, यहाँ तो तुषार जी ने सभी फर्ज निभाए हैं। अगर तुषार जी आज सही समय पर नहीं आते ना, तो बस विद्या की जान ही चली जाती समझो। हमारे छोटे ठाकुर तो सबका मुंह देखते ही रह गए थे ना। अगर तुषार जी ने आज वो धूम वाला एक्शन नहीं किया होता ना, तो बस विद्या की जान ही चली जाती। सालों में एक बार ही तो ऐसा बहादुर इंसान किसी की जिंदगी में आता है। एक्चुअली असली बहादुरी सागर ने ही दिखाई। उस गुंडे से कहा कि विद्या को छोड़ के उसे पकड़ ले। जी बुआ जी, सही कह रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा कहने के लिए। अरे अगर वो लोग तुमको उठा के ले जाते तो क्या होता, परेशानी बढ़ती ही ना। तुषार बेटा, तुम तो सागर और विद्या के लिए रक्षक बन के आए हो, हम तुम्हारा यह आभार कभी नहीं भूल सकते। और विद्या बेटा, आगे से इस तरह के प्लान मत बनाना। सागर अभी इस हालत में नहीं है कि वो तुम सब लोगों को बाहर लेके जा सके। माँ को जैसा भी लगता हो, हम जानते हैं ना कि हमें बचाने में जितना हाथ तुषार का था, नहीं आपका भी था। हम जानते हैं इस बात को। उस गुंडे से दिशुम दिशुम किसने की? तुषार ने उसका गला पकड़ के पुलिस को
तुषार ने ही दिया था, तुषार ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। सागर प्रताप सिंह ने क्या किया? प्लीज प्लीज विद्या को छोड़ दो, प्लीज विद्या को छोड़ दो। सागर प्रताप सिंह ने शिव शिव सागर प्रताप सिंह शिव। ऐसे मत सोचिए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं सोचूं? क्यों मुझे मुझे पहलाने की कोशिश मत करो, मत करो, क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं फेल हुआ हूँ। मुझे पता है मैंने वो नहीं किया जो एक पति को करना चाहिए। आई फेल। हमारी बात सुनिए, आपने अब तक वो सब कुछ किया है जो किसी भी पति को करना चाहिए, या शायद आपने उससे भी ज्यादा किया है हमारे लिए। और फिर आज की स्थिति तो बहुत बहुत अलग थी ना। रोइए नहीं, आपको पता है ऐसे हालात का सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने तो बहुत बहादुरी दिखाई है। मैं उन बहुत बहुत कम लोगों में से नहीं हूं ना विद्या। तुषार सामना कर सकता है, मैं नहीं। समझ क्यों नहीं रहे आप? तुषार बड़े हैं आपसे। मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ विद्या, बहुत बड़ा, तुषार जैसे। मैं भी एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे उन गुंडों से, और उनका गला पकड़ के पुलिस में दे दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी तरफ देखिए, आप तो उनसे भी अच्छे हैं ना। आप तो सब कुछ कर लेते हैं ना। आप गाड़ी चलाते हैं, आप काम भी करते हैं, सोचिए अब तो पैसे भी कमा लेते हैं। बस एक दिन के लिए मुझे कोई काम नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं बड़ा नहीं हूं। क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? हमारी बात सुनिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना विद्या, प्लीज। मैं हमेशा फेल होता हूँ, वो तुषार वो हमेशा पास होता है, हमेशा। सुनिए हमारी बात, सुनिए। क्या हुआ? क्या बताया हम आपको? ये बड़े होना चाहते हैं आपकी तरह। ये बात बात पर अपनी तुलना आपसे करते हैं। क्यों करते हैं नहीं समझ पा रहे हम। बिल्कुल वही कोट अब मेरे पास भी है। अच्छा मत
मटेरियल है, लेकिन ये तो मम्मा के साइज का है। मम्मा को बताती हूँ। ओ अंगना में बाबा दुआरे पे मां, कैसे आए गोरी हम तो।